राधे राधे दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे और मज़े से होंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमें सब्ज़ी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, ऐसा लगता है कुछ अच्छा और डिफरेंट बनाएं और खाएं। तो इसी परेशानी को दूर करते हुए आज मैंने बेसन की सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ। इस सब्जी को बनाने के लिए मैं सबसे पहले सरसों और लहसुन का पेस्ट बना के तैयार कर लूंगी। इस सब्जी में हम प्याज व्याज बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। तो पेस्ट हमें बिल्कुल स्मूथ एंड फाइन बनाना है। देखिए, बिल्कुल इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल ये बारीक पिसा हुआ है। बिल्कुल ऐसे पेस्ट हमें बना के तैयार करना है, तो आप भी ऐसे पेस्ट बना के तैयार करें। हम इस सब्जी को बनाने के लिए एक कटोरी बेसन का इस्तेमाल करेंगे, और देखा जाए तो सही से एक कटोरी है भी नहीं, और इतने से ही बेसन से हम 7 से 8 जाने के लिए भरपूर सब्जी बना के तैयार कर लेंगे। तो बस वही बेसिक मसाले सारे जो हम रोज़ डेली बेस के लिए यूज़ करते हैं, तो वही सारे मसाले ऐड कर देंगे, और साथ में हम डाल देंगे लहसुन और सरसों का जो पेस्ट बना के रखा ना हमने, तो बस यहीं पर हम ऐड कर देंगे, और साथ में डाल देंगे धनिए का पत्ता। और अब पानी डाल के हम एक घोल तैयार करेंगे, और इस घोल को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि ये फ्लफ़ी बने। घोल हमें पतला तैयार करना है, ज़्यादा गाढ़ा हम तैयार नहीं करेंगे। ज़रूरत पड़ने पे हम थोड़ा पानी यहाँ पे और ऐड करेंगे। तो ऑलमोस्ट हमारा घोल बनके तैयार हो गया। देखिए मैंने कितना पतला घोल तैयार किया है, ये देखिए। तो बस ऐसे ही घोल आपको भी तैयार करना है, और बहुत ही शानदार बढ़िया सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए, घोल तो बनकर तैयार है, हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस को हम सबसे पहले कर लेंगे ऑन। यहाँ पे चढ़ा देंगे हम कढ़ाई, और कढ़ाई का पानी जैसे ही सूख जाएगा यहाँ पे हम डालेंगे 1 चम्मच छोटे चम्मच से तेल डालेंगे हम। तेल को यहाँ पर हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, साथ में हम डाल देंगे घोल, और अच्छी तरह स्पैचुला की हेल्प से हम इसे मिला लेंगे। तो गैस का फ्लेम यहाँ पर मेरा हाई है, इसको मिलाते हुए हम गाढ़ा कर लेंगे। हमें ज़रा से भी छोड़ना नहीं, हमारे लम्स पड़ जाएंगे, रेगुलर हम चलाते ही रहेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा ये पेस्ट का बैटर बनके तैयार हो गया। तो यहाँ पे मैंने एक थाली लिया है, उसमें मैंने तेल लगा लिया, और यहाँ पे जो हमारा बेसन का बैटर है इसे यहाँ पे मैं डालकर ट्रांसफ़र कर दूँगी। इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, पूरे फैला लेना हमें थाली में, बिल्कुल इस तरीके से। अब इसे हम साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। बेसन का बैटर जो हमारा सेट हो चुका है, तो इसे हम पीसेस में कट कर लेंगे। तो साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा स्क्वायर जैसा भी चाहे वैसा रख सकते हैं। तो मैं थोड़ा डिफरेंट साइज़ रखूँगी सब्जी में, ताकि सब्जी का लुक थोड़ा अच्छा आए। तो आप देख सकते हैं मैं लंबे लंबे कट डाल दे रही हूँ यहाँ पर, और इस साइड से मैं 2 कट ही मारूँगी। ये देखिए, तो बस इतना ही कट मारूंगी मैं। आपको पीसेस में निकाल के दिखा देती हूँ कितना सॉफ्ट फ्लॉपी बन के ये तैयार हुआ है। देखिए, ये देखिए, है ना, अब बिल्कुल सॉफ्ट है, मेरे मुंह में जाते ही घुल जाएगा। इसकी सब्जी इतनी टेस्टी लगेगी खाने में। आप चाहे तो इसे शाम की चाय में स्नैक के रूप में भी बना सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिया सरसों का कढ़ाई में, और इसे मैं फ्राई कर लूँगी। आप चाहे तो डीप फ्राई करें, या तो शैलो फ्राई भी कर सकते हो। तो एक बार भी जितना ईजिली आ सके उतना ही डालें, वरना ये टूट भी सकता है, बहुत ही सॉफ्ट है ना, तो ये टूट जाएगा। तो एक बार में जितना ईजिली आ सके ना कढ़ाई में, उतना ही डालें। तो मैं स्पैचुला के हेल्प से टर्न कर देती हूँ। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है इसमें। बस इतना ही हमें फ्राई करना है। इसको मैं बेक करके पीसेस को निकाल लूँगी। ये हमारे फ्राई हो चुके हैं, आप ऐसे ही इसे खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगा एक स्नैक के रूप में। तो और बचे हुए को भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। अब इसी में हम 1 चम्मच और तेल डालकर इस सरसों के दाने डाल देंगे, और जैसे ही चटक जाएगा यहाँ पे डाल देंगे 1/2 चम्मच हम जीरा, और दोनों को चटकने के बाद यहाँ पर हम टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। साथ में हम बेसिक मसाले ऐड करेंगे जो हम डेली वेज के लिए यूज़ करते हैं, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च जीरा का पाउडर, हल्दी पाउडर, एक थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च डालो, इसे कलर बहुत अच्छा आएगा। साथ में हम डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, नमक थोड़ा हिसाब से डालें क्योंकि हमने बेसन के पेस्ट में भी नमक ऐड किया है। और सभी को हम अच्छी तरह से भून लेंगे, और हल्का सा भून जाने के बाद ही हम यहाँ पर सरसों और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, और इसको भी डाल के अच्छी तरह से मसाले बना लेंगे। यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे मसालों को भुनेंगे ताकि मसाले जो जले ना उसका कलर भी बरकरार रहे।
तो आप देख सकते हैं मसाले जो हमारे भून चुके हैं, सारा तेल मसालों ने छोड़ दिया है और कलर भी बहुत अच्छा आया हमारे मसालों में। तब बस यहीं पे हम ऐड करेंगे पानी। तो पानी आप ग्रेवी जितना भी डालना चाहें उतना बना सकते हैं, चावल बनाओ तो उस तरीके से बनाओ, रोटी बना रहे तो उस तरीके से, मतलब कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं तरीको। और ढक के मैं आने दूँगी एक उबाल, और जैसे उबाल आ जाएगा हम सारे पीसेस जो हमारे बेसन के यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो एक एक करके मैं यहाँ पे डाल देती हूँ सभी पीसेस को। ये सब्ज़ी बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको ये इसकी रेसिपी बताई हूँ, और बहुत ही ये जल्दी बनके तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इस रेसिपी को 10 से 15 मिनट में बना के तैयार कर लेंगे, उसका टेस्ट बिल्कुल गजब है। फिर हम ढक कर उबाल आने देंगे ताकि मसालों का जो टेस्ट है वो हमारे पीसेस में आ जाए, बेसन के पीसेस है उसमें आ जाए। तो उबाल आ चुका है बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी सब्ज़ी में, देख सकते हैं आप। तो बस यहीं पे हम धनिया का पत्ता ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है, आपको अगर पसंद हो तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो बस हमारी बेसन की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है, आप इसे इंजॉय करें चावल के साथ या रोटी के साथ या पूड़ी के साथ, किसी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। मैं थोड़ा सा चम्मच से काट के भी दिखाती हूँ, ये देखिए कितना सॉफ्ट है, देखिए है ना कितना सॉफ्ट, मुँह में जाते ही घुल जाएगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।